भाइयों देखिए, हम सबको गलत फहमी में भी नहीं रहना चाहिए। हमारे नारे इस वक्त कोई मजहबी नहीं है, हमारे नारे हैं अपने दीन पर बाकी रहो, तौहीद की हिफाजत करो, फिरका बंदियों से बचने की कोशिश करो, जो इख्तलाफात हैं उनको दायरे में रखते हुए उन इख्तलाफात से निकलने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करते रहो, सिराते मुस्तकीम मांगो। लेकिन एक अहम मसला दिमाग में रखो कि ये भी अल्लाह का फजल है कि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, ये मुल्क डेमोक्रेसी सिस्टम का मुल्क है, ये सेकुलर स्टेट है, ये मजहबी मुल्क नहीं है। इस मुल्क का कानून कोई मजहबी नहीं है, ये सेकुलर स्टेट रहे इस स्टेट को मजहबी भेदभाव के साथ नहीं चलाया जा सकता। ये स्टेट के दस्तूर की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रूह है। इसलिए दस्तूर की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत और संविधान की हिफाजत के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बका के लिए जितनी ताकतें जमहूरी तरीके से दस्तूर के दायरे में रह करके हुई है, अमनो अमान के साथ, किसी भी तरह की बदअमनी ना पैदा हो, वरना बदअमनी से तहरीक खत्म हो जाती है, तशद्दुद से तहरीक खत्म हो जाती है। इसमें इस समझदारी की भी जरूरत है कि कोई भी तहरीक रोकने की, खत्म करने की कोशिश की जाती है, उसमें ऐसी सूरत हाल बनने नहीं देना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी काम मुल्क का दिमाग, मुल्क की कयादतें, अपोजिशन, मुल्क के मजाहिब के लोग, मुल्क की बहुत सारी मुस्लिम गैर मुस्लिम तंजीमें मिल करके काम कर रही हैं, ये काम सबका है, मुल्क की हिफाजत के लिए है, मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए है।